न्यूज मोबाइल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ वित्तीय बदलाव देखने को मिलते हैं। सितंबर का महीना शुरू हो गया है, आज एक तारीख है और आपकी जेब पर क्या वित्तीय बदलाव का असर पड़ेगा इसकी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। आपने देखा था कि सरकार ने LPG के दाम घटा दिए हैं, 200 रुपए रक्षाबंधन के ही दिन इसका ऐलान किया गया था और उससे सीधा असर आपके घर की रसोई पर पड़ेगा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरह से LPG के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे उसकी जो समस्या है वो काफी लोगों के घरों में साफ तौर पर देखने को मिली थी। लेकिन एक राहत वाली बात यह है कि 1 सितंबर से 2023 से LPG के दामों में कटौती हुई है, 200 रुपए जो है वो कम कर दिए गए हैं, जिसका जो बेनिफिट है वो आप डेफिनेटली उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होता था, आपकी टेक होम सैलरी वो अब बढ़ जाएगी क्योंकि उस पर टैक्स कम हो गया है और इसीलिए जो बेनिफिट होगा, जो सर्विस सेक्टर जिन कंपनीज जो सर्विस सेक्टर में कंपनीज होती हैं वो बेनिफिट जो रेंट का अपने एम्प्लॉयज को देती हैं उनसे उनकी टेक होम सैलरी जो है वो अब बढ़ जाएगी। ये भी आपको जानकारी दे दूँ कि आधार को अपडेट करने का समय जो है वो 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया था। तो 14 सितंबर को जो आधार कार्ड में अपडेट होते थे फ्री, जो आप वेबसाइट पर अपलोड कर सकते थे अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी आधार कार्ड में आपको चेंजेस कराने थे, वो अब उसकी तारीख 14 सितंबर है। 14 सितंबर के बाद से वो चार्जेबल होगा। तो अभी तक जिन लोगों ने अपना आधार को पैन से लिंक नहीं किया है या आधार में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेंजेस हुए होंगे आपके टेलीफोन नंबर या फिर एड्रेस में जिसको आप अपडेट नहीं किए हैं, वो आप अपडेट करा सकते हैं। फ्री अपडेट 14 सितंबर तक ही रहेगा। आपको यहाँ पर ये भी जानकारी दे दूँ कि गैस सिलेंडर के दाम में जैसे कटौती होती है हर महीने की पहली तारीख को, फ्यूल के प्राइस में आप कटौती देखते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन पर जो टेक होम सैलरी जिसको टैक्स लगता था उसकी टेक होम सैलरी अब बढ़ेगी, उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। 2000 के नोट बैंक में सबमिट करने की का भी ये लास्ट मंथ है। इस महीने के बाद 2000 के नोट वैलिड नहीं रहेंगे। जो भी नोट आपके पास इस वक्त मौजूद है, अगर आपने बैंक में जमा नहीं कराए हैं तो वो आप अपने खाते में जमा करा सकते हैं और जो न्यू करेंसी है उसको आप तुरंत ही ले सकते हैं। इस पर कोई भी पूछताछ नहीं होगी। जो हमने पहले देखा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, काफी लंबी लंबी कतारें लगी थी, सवाल पूछे जा रहे थे, ब्लैक मनी को लेकर एक बहुत बड़ा एक आउटरीच भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार जब आप 2000 के रुपए सबमिट करने जाएंगे तो आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। अगर आपने नहीं बदलवाए हैं तो आप अभी जाकर उन्हें बदलवा सकते हैं। ये तमाम वो चेंजेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि आधार कार्ड देना जो है वो अनिवार्य हो गया है। डीमैट नॉमिनेशन शेयर मार्केट पे भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। डेट को आगे बढ़ाने की उम्मीद कम हो गई है क्योंकि जो आखिरी डीमैट नॉमिनी जोड़ने की डेट है वो 30 सितंबर है। तो ये वो तमाम काम है सितंबर में जो आपने नहीं किए हैं वो आप कर सकते हैं, आपको अभी भी वक्त है। हालांकि कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं, सेविंग स्कीम की अगर बात की जाए वो भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। SBI की जो केयर स्कीम है उसकी आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2023 है। तो जो भी काम आपने अब तक नहीं किया आप जाइए उसको करा कर आइए, नए महीने की शुरुआत है। ये वो तमाम चेंजेस हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मोबाइल।